नमस्कार दोस्तों, आज हम ठीक करना सीखेंगे जो कि डिस्प्ले चली जाती है, तो इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो आप एक सेल डला हुआ है और यहाँ पे ये लोकल सेल है, तो इसे हम रिप्लेस कर देते हैं एक ओरिजिनल सेल से जो कि है डूरा सेल का। तो यहाँ पे हम डूरा सेल का सेल यूज़ करते हैं अच्छी बिल्ड क्वालिटी का। तो यहाँ पे हम करते हैं तो शायद डिस्प्ले आ जाती है। नहीं गाइज, यहाँ पे आप देखेंगे तो डिस्प्ले जो है प्रॉपर तरीके से गायब हो चुकी है। तो अब हम करेंगे, इसे निकालेंगे दोबारा से सील को एंड अब इसे हम खोल लेंगे। तो यहाँ पे खोलने के लिए तो ऐसे डायरेक्टली खुल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं खुल रहा तो यहाँ पे साइड से पेचकस का यूज़ कर लेंगे खोलने के लिए साइड से। तो हल्का सा, ज़्यादा नहीं घुसेड़ना है, हल्का सा साइड में, और पॉसिबल हो तो यही चला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे लगा के एंड साइड पे करके आप कर सकते हैं। तो ये निकल गया है साइड का एंड यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, ये निकल गया एंड ये भी निकलेगा। तो ये सब निकल गया। तो यहाँ पे जो है ये डस्ट देख रहे होंगे, ये डस्ट ने इसे पूरी तरीके से खराब कर दिया, तो इसे साफ कर लेते हैं। तो खोल लेते हैं इसे पूरे को। एंड ये वन स्क्रू, सेकंड स्क्रू एंड थर्ड स्क्रू, तीन स्क्रू से बंद था दोस्त ये। अब इसे निकाल लेते हैं, तो वैसे तो ज़्यादा टफ नहीं होगा। तो ये और यहाँ पे डस्ट आई हुई है दोस्तों, ये पूरी स्क्रीन पे बहुत गंदी तरीके से डस्ट आई हुई है। तो यहाँ पे पूरे को साफ करना पड़ेगा अच्छी तरीके से और डिस्प्ले को आप निकाल पाएंगे ईजिली। तो कोशिश कीजिएगा इसे ना हिलाने की, क्योंकि यहाँ पे आप हिलाते हैं तो ये पूरी डिस्प्ले वर्क करना बंद कर देगी। तो कोई अच्छा सा कपड़ा जैसे कि हमारे पास है, जैसे नॉर्मली साफ़ करेंगे कि डस्ट ज़्यादा ना रहे इसके अंदर। तो आगे पीछे से इसकी सर्किट प्लेट जरूर साफ़ कर सकते हैं हम साइड से, लेकिन इसके अंदर की डस्ट भी हमें निकालनी पड़ेगी। और लमसम साफ हो गई है सर्किट प्लेट पर, पीछे भी डस्ट है एंड फूक मार के भी साफ कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो मैं ये चीज़ बता दूँ, ये हो गया आपका थर्मामीटर, ये मतलब गर्मी नापता है, ये आपका सेंसर हो गया जो कि एक्चुअली दिखाता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के लिए ये होगा और ये आपकी हीटिंग के लिए होगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया था क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से नापी जा सकती है कहीं भी। तो साफ़ कर लिया, अब एलईडी की बात आ गई, तो रबड़ नहीं निकाल लिया हमें, लेकिन हम साफ़ कर सकते हैं हल्का सा, ऊपर से भी करेंगे, बहुत लाइटली करेंगे क्योंकि इसमें वैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती। और यहाँ पे देखेंगे तो पैनल हल्का सा दिखाई देगा, तो यहाँ पे कनेक्शन इस टाइप के हुए हुए हैं। तो दोबारा से इसे जैसी लगी हुई थी वैसी लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसी लगी हुई थी एंड यहाँ पे, तो इसके तीन स्क्रू थे, तीनों स्क्रू लगा देते हैं। फर्स्ट स्क्रू यहाँ पे था,
सेकंड इसको बीच में था। एंड थर्ड स्क्रू साइड में था। अब यहाँ पे लगा दिया है, अब सील करके ट्राई करेंगे। और हमने गलती ये कर दी कि ये बाहर रह गया है, तो इसे दोबारा खोलना पड़ेगा, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करेंगे उससे पहले हम। तो आप ये देखेंगे तो पूरी तरीके से डिस्प्ले आ गई है, तो इसकी बस साफ सफाई की देरी थी। अब इसका जल्दी से ये वाला लगा लेते हैं, दोबारा खोलना पड़ेगी, शायद दोबारा ना चली जाए डिस्प्ले, तो एक बार जरूर पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। चली जाती है तो फिर क्या करेंगे। तो यहाँ पे बड़े प्यार से निकाल लेते हैं इसे दोबारा से। तो जैसा लगा हुआ था हमें वैसे ही लगाना पड़ेगा, तो मोड हमारा उल्टा तो नहीं होगा। मोड के लिए क्या था, हाँ मोड हमारा नीचे होगा, सही। इसका थोड़ा सा ये भी चेक कर लीजिएगा दोस्तों कि रबड़ जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लगी भी हो, एक बार चेक कर लेंगे। तो मोड तो हमारा मोड उल्टा हो रहा है, और मोड इसका मतलब हमारा यहाँ पे होगा साइड में, या मोड हमारा यहाँ पे होगा क्योंकि इस हिसाब से एडजस्टेबल सही बैठ रही है। तो ये भी थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, पता होना चाहिए। ये दोस्तों बिल्कुल सही है, ह्यूमिडिटी मोड एंड ये। अब इसकी रबड़ लगा लेते हैं, रबड़ नॉर्मल जो हमारे पहले गेम में आती थी, मारियो गेम, मतलब जो कूदने वाले गेम होते थे 200-250 रुपये के मिलते थे, वो उसमें सेम है। और यहाँ पे हम इसे बिल्कुल फिट कर लेंगे, और इसे दोबारा से वह चेक करेंगे। तो वैसे तो दे रखा है दोस्तों यहाँ पे ये ही दे रखा है, और हमने बिल्कुल सही देखा था। और अब इसका सर्किट बोर्ड लगा लेते हैं दोबारा से। और ये हो गया, एंड ये हो गया। तो मतलब हमने दोबारा से इसके अब सेल लगाते हैं इसका पुराना वाला जो लोकल लगा हुआ था, तो क्या उस पर प्रॉपर वर्क करेगा। तो यहाँ पे यस दोस्तों, मतलब प्रॉपर वर्क कर रहा है। ऊपर आगे वाली डिस्प्ले नई भी आती है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कभी भी 50 या 50 सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं निकलेगा। फ़ारेनहाइट से भी देखेंगे तो 1 से ऊपर नहीं निकलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी बिल्कुल सही चल रही है घड़ियाँ। और टाइमिंग इसकी सेट करेंगे, तो टाइमिंग भी सेट करना बता देता हूँ इसे कैसे। तो यहाँ से इसे जैसे ही बंद किया था वैसे ही इसे बंद कर देते हैं। आप कर लेते हैं दोस्तों टाइमिंग सेट। तो टाइमिंग के लिए हमें मोबाइल में 11:47 हो रहे हैं, तो एंड यहाँ पे मैक्सिमम है ये, मिनिमम ये है यहाँ का अभी तक, मतलब तब से ये इस रूम में रहा है मेरे वाले में, और ये टाइमिंग है। तो गाइस इस तरीके से आप भी सेट कर सकते हैं ईजिली, कोई ज़्यादा टफ काम नहीं था। और इसका स्टैंड होता है ये, यहाँ मतलब दोनों साइड से निकाल लेते हैं, तो आप इस तरीके से इसे रख भी सकते हैं। तो गाइस इसकी फुल डिस्प्ले भी आ गई और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।